जमारा छान मारा दुनिया देखी भाली तो लीजिए साहिबान, दिखाता हूँ अपराध जगत के खेल, मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम में कोरोना के टीके के नाम पर हुआ फर्जी वाड़ा। प्राइवेट अस्पताल ने लोगों से पैसे लेकर सरकारी क्लिनिक में लगवा दिया टीका। अब पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन और मालिक के खिलाफ दर्ज किया है मामला। तो लीजिए साहिबान, आज सुनाता हूँ गुरुग्राम में कोरोना के फर्जी टीकाकरण की कहानी। इस कहानी से साफ है कि कोरोना के टीके के नाम पर भी काली कमाई के बड़े खेल चल रहे हैं। ताजा मामला झाड़सा रोड स्थित चिरंजीव अस्पताल का सामने आया है, जिसमें फर्जी टीकाकरण के आरोप में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में बड़ी बात ये सामने आई है कि अस्पताल ने टीके के पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के हिसाब से लिए, जबकि टीकाकरण सरकारी सेक्टर 31 की पॉली क्लिनिक और दिल्ली की एरो सिटी में हुआ और सर्टिफिकेट अस्पताल ने जारी किए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का शक है कि अस्पताल प्रबंधन ने लोगों से अवैध पैसे वसूल कर टीकाकरण किया, लेकिन उसका विभाग के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फर्जीवाड़े की यह कहानी उस समय उजागर हुई जब गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव को एक महिला ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि चिरंजीव अस्पताल में फर्जी तरीके से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके आधार पर पूरे मामले की जांच कराई गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जब अपना रिकॉर्ड खंगाला तो उससे संबंधित अस्पताल में टीकाकरण किए जाने की कोई जानकारी ही नहीं थी। इस पर विभागीय अधिकारियों का शक और गहराया और पड़ताल शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में उजागर हुआ बड़ा खेल। पता चला कि उक्त अस्पताल ने 56 से अधिक लोगों को फर्जी तरीके से टीका लगाया और टीका लगाने के बाद अस्पताल ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए, लेकिन अस्पताल को वैक्सीन का आवंटन ही नहीं था। ऐसे में लोगों को लगाई गई वैक्सीन सही है या नहीं, इस बात पर भी सवालिया निशान लग गया है। इस बारे में हमारी अस्पताल के मालिक डॉक्टर अमरीश सोनी से बात हुई, जिसमें उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वैक्सीन पहले लगी लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन बाद में किया, बस अस्पताल की तरफ से यही गलती हुई है। सुनिए उनका पक्ष। सर, वो वैक्सीन खराब होती, डिस्ट्रॉय होती, इस वजह से इन्होंने लगा दी। ऑल्दो ये आफ्टर ऑल गलत है। इस बारे में गुड़गांव के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव का कहना है कि अस्पताल में फर्जी वैक्सीनेशन की शिकायत मिली थी। जांच के दौरान वैक्सीन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर एमपी सिंह ने अस्पताल के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करा दिया है। थाना सदर प्रबंधक इंस्पेक्टर दिनेश यादव ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। तो साहिबान, अस्पताल की इस फर्जी टीकाकरण के पीछे काली कमाई की मंशा रही या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन नियमों को दरकिनार कर किया गया टीकाकरण किसी बड़े खेल की तरफ इशारा जरूर करता है। क्राइम मदारी को तो बस इतना कहना है कि सावधान, सावधानी में ही बचाव है। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।